हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, यानी विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता क्या होती है प्रिज्म के पदार्थ की, वो पढ़ने जा रहे हैं लोग। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है। यानी प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर क्या है, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, परिक्षेपण क्षमता क्या है, वो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिस्पर्जन था वो क्या था। तो ये हमने एक प्रिज्म बनाया हुआ है, ये प्रिज्म का हो गया प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट लाइट रे ऐसे आती है, ये व्हाइट लाइट रे है, ठीक है। और आपने पढ़ रखा है कि जो व्हाइट लाइट रे होती है वो कलर्स का मिक्सचर होती है, और सारे कलर्स की जो प्रिज्म का मटेरियल है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाती है, और जो स्प्लिट होती है उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता था, याद है आपको, विप्योर जिसको बोलते हैं। तो जो रेड वाली है वो ऐसे गई, ये हो गई रेड वाली, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा डेविएट होती है वो है वायलेट, ये हो गई वायलेट, ठीक है। तो वायलेट वाली ऐसे बाहर निकल गई और रेड वाली ऐसे निकल गई, तो ये हो गई रेड लाइट रे और ये हो गई वायलेट, ठीक है। तो ये रेड कलर की लाइट रे होगी और ये वायलेट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मीन रे की बात है, यानी मध्यवर्ती किरण जो येलो होते वो इनके बीच में होगी, ये वाली होने के लिए येलो, ये होगी येलो। तो ये वायलेट रे है, ये येलो है और ये रेड है, ठीक है। व्हाइट लाइट रे आई, रेड वायलेट येलो, और भी रेज होंगी, लेकिन हमने जो डिस्पर्सिव पावर पढ़ी उसमें हमें इन तीन का था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, तो एंगुलर डिस्पर्जन वायलेट और रेड के बीच में निकालना है, तो हमने इसको ऐसे पीछे बढ़ाया और वायलेट को ऐसे पीछे बढ़ाया, दोनों जहां मिल रहे ये वाला होगा एंगल, और ये जो एंगल आप करेंगे हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन, ये क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो येलो लाइट रे है इसके लिए हम लोग निकालने के लिए कितना डेविएट हुई है, यानी कितना इसका विचलन कोण है, तो वो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंसिडेंट रे थी उसको देखना पड़ेगा, और ये जो येलो कलर वाली लाइट रे इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ये विचलन, यानी ये हो जाएगा पीले रंग के लिए विचलन को, कि पीला वाला जो लाइट रे है वो इतना डेविएट होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्सिव पावर क्या होगी। तो डिस्पर्सिव पावर होगी ये जो आपने रेड और वायलेट के लिए एंगुलर डिस्पर्जन निकाला है, जिसकी वैल्यू आपको याद होगी होती थी डेल्टा वी माइनस डेल्टा, ठीक है, अपॉन ये जो येलो कलर का, येलो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो वैल्यू आई है, ये जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। और ये डिपेंड करती है केवल और केवल मटेरियल पे, कि वो मटेरियल आपने क्या लिया हुआ है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, रेशियो है वायलेट और रेड के लिए जो एंगुलर डिस्पर्जन है, और येलो कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है उनका, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग और जो है एक्सटेंड करते हैं, देखिए कैसे। चलिए, जो हमारा फॉर्मूला बना है वो बना है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा। फॉर्मूले हम लोग पढ़े, फॉर्मूले की वैल्यूज रखते हैं, डेल्टा वी का फॉर्मूला आपके याद होगा एन वी माइनस वन इंटू डेल्टा आर का याद होगा एन आर माइनस वन।
क्या है फिजिक का, उसके यानी कि इट ऑनली डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यानी ये जो डिस्पर्सिव पावर है, ये जो परिक्षेपण क्षमता है, ये केवल निर्भर करती है कि जो प्रिज्म है उसका मटेरियल क्या आपने लिया हुआ है, केवल उस चीज पे निर्भर करेगी। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए, जैसा हम लोग ने अभी प्रिज्म में पढ़ा है, क्या वैसा ही लेंसेज में भी होता है? क्या लेंसेज में भी जैसे अगर हम लोग जो है व्हाइट लाइट ले को गिराते हैं तो देखिए क्या होता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लोग लेंस में इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, एक जो है कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने क्या किया, इससे व्हाइट लाइट जो है वो इंसिडेंट है, व्हाइट लाइट ये इसकी एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो भी व्हाइट लाइट है। ये हो गई व्हाइट लाइट रे, ठीक है। होगा क्या, जैसे ये इस पर गिरेगी तो क्योंकि पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से गिरेगी, यानी ये इससे फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे जाके मिलेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन। अब यहां पे भी जो टर्म एन आ रहा है वो तो सारे कलर्स के लिए अलग अलग होगा, यानी जो प्रिज्म का मटेरियल है वो सारे कलर्स के लिए एन अलग अलग शो करेगा, क्योंकि सारे कलर्स की स्पीड इसके मटेरियल में अलग अलग होगी। और अगर ऐसा है तो पक्की बात है एफ भी सारे कलर्स का अलग अलग हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ सारे कलर की अलग अलग हो जाएगी। यानी यहां पे अब जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेंगी तो एक पॉइंट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कलर्स, तो इसके अलॉन्ग अलग अलग पॉइंट्स पे जाके मिलेगी। जैसे अगर वायलेट की बात करें तो वायलेट ज्यादा डेविएट होता है, तो मान लिया ऐसे मिल गया तो वायलेट वाली इधर गई ऐसे। अगर हम लोग रेड की बात करें तो देखिए उनका लेंथ सबके लिए अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि एन अलग अलग है। तो अगर हम लोग रेड की बात करें तो वो ऐसी कहीं आगे जाके मिलेगी, क्योंकि वो कम दे रही थी। तो देख सकते हैं जो इमेज पॉइंट वाइज बननी चाहिए, पॉइंट के तरीके बननी थी, वो ऐसे लॉन्ग अलग अलग जो है क्लियर नहीं बन पाएगी। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एवरेज, ठीक है। और ये व्हाइट लाइट की वजह से हुआ, क्योंकि आपने व्हाइट लाइट ले ली थी और वो कई सारे कलर्स का मिक्सचर होती है, तो अगर कई सारे कलर्स का मिक्सचर है तो जैसे ही वो लेंस पे गिरेगी तो जो लेंस का मटेरियल है उसकी फोकल जो लेंस का मटेरियल है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो सारे कलर्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड पे डिपेंड करता है और मटेरियल में सारे कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है, तो एन अलग अलग होगा। अब एन अलग हो गया, अगर सबके लिए अलग अलग है तो वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू के साथ एफ सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। और एफ अलग होने का मतलब वायलेट रे अलग फोकस होगी, रेड वाली रे अलग, यानी सारी रेज अलग अलग फोकस होगी। तो जो इमेज हमें पॉइंट की तरीके बननी चाहिए वो इसके अलावा ऐसे एक्सटेंड कर जाएगी, वो हमें रंगीन दिखाई देगी, कलरफुल दिखाई देगी। ये जो डिफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन या वर्ण विवर्तन, ठीक है। तो ये चीज आपको होप समझ आ गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, पैरेलल व्हाइट लाइट रे आ रही थी इससे गिरी, अब हमने पढ़ाई फोकस से मिलेगी, यानी फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस से जाके मिलेगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर। अब यह फॉर्मूला बता रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो एन पे डिपेंड करता है।
सारे कलर्स को अगर आप देखोगे तो मटेरियल में उनकी स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगी, तो वो जो मटेरियल है वो सारे कलर्स के लिए रिफ्लेक्टिव इंडिसेस अलग अलग शो करेगा, और रिफ्लेक्टिव इंडिसेस अगर अलग अलग है तो जाहिर सी बात है यानी जो फोकल लेंथ है वो भी अलग अलग हो जाएगी, और जब फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी तो जो सारे कलर्स की जो लाइट रे है वो एक पॉइंट पे फोकस ना होकर के अलग अलग डिस्टेंस पे जाके फोकस होगी, यानी जो इमेज बन रही होगी वो क्लियर नहीं बनेगी, कलरफुल बनेगी। स्टूडेंट्स इसके अलावा वो एक्सटेंड कर जाएगी, वो सारी रेज अलग अलग पॉइंट से जाकर के फोकस होगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन या वर्ण विक्टर। ठीक है, आगे बात सुनिए। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो डिस्पर्सिव पावर क्या थी, वायलेट और रेड कलर की जो एंगुलर डिस्पर्शन था वो, और जो येलो कलर की रे थी जो बीम रे थी उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन था उसका जो रेशियो था वो था डिस्पर्सिव पावर, और वो डिपेंड करती केवल मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे। फिर हमने जैसा प्रिज्म के लिए पढ़ा वैसे ही लेंस पे ऑब्जर्व किया, तुमने देखा यहाँ पे भी फोकल लेंथ अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग है, इसलिए अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो अलग अलग पॉइंट पे जाकर के जो है फोकस होगी, यानी वो कलरफुल इमेज आपको दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। तो आज हम लोग ने क्रोमेटिक एब्रेशन पढ़ा और हम लोग ने पढ़ा डिस्पर्सिव पावर। होप आपको ये चीज अच्छे समझ आएगी। थैंक यू।